राहुल गांधी को इतना हाईलाइट भी आप लोग भी मत करिए ना हम कर, वो एक सांसद है, इसके अलावा राहुल गांधी कुछ नहीं। तो राहुल गांधी को इतना ज्यादा बड़ा नेता मत मानिए, मैं तो नहीं मानता हूँ। राहुल गांधी को बड़ा नेता मत मानिए, वो केवल एक सांसद है। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि ये कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लक्ष्मण सिंह का। राहुल गांधी को इतना ज्यादा बड़ा नेता मत मानिए, मैं तो नहीं मानता हूँ। अपनी बेबाकी के लिए पहचाने जाने वाले लक्ष्मण सिंह एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेता के लिए ये बड़ी बात कह दी है। एक तरफ तो कांग्रेस ने आम सभा चुनावों के पहले राहुल गांधी को ही अपना थक हार कर सबसे बड़ा नेता स्वीकार कर लिया है और कांग्रेस आम चुनावों के पहले उनकी न्याय यात्रा भी शुरू करने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस की पार्टी के बड़े नेता उन्हें दिग्गज मानने से इनकार कर रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्गी राजा के भाई लक्ष्मण सिंह ने ये बयान अपनी ही पार्टी के नेता राहुल गांधी के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बड़ा नेता मत मानिए, वो एक सांसद हैं, मैं तो नहीं मानता। उन्होंने कहा कि जन्म से कोई बड़ा नेता नहीं बनता, कर्म से बनता है। इसके बाद लक्ष्मण सिंह ने मीडिया से भी अपील की और कहा कि आप लोग राहुल गांधी को इतना हाईलाइट मत करो और ना हम करें। एक सांसद है, अध्यक्ष नहीं है और एक कांग्रेस की कार्यकर्ता, इसके अलावा राहुल गांधी कुछ नहीं। राहुल गांधी को इतना हाईलाइट भी आप लोग भी मत करिए ना हम करें, वो एक सांसद है, केवल सांसद है और हमारे जो सांसद है उनकी उनकी बराबरी है। वो जन्म से नहीं हो जाता है, अपने कर्म से होता है। तो राहुल गांधी को इतना ज्यादा बड़ा नेता मत मानिए, मैं तो नहीं मानता हूँ। वो जन्म से नहीं हो जाता है, अपने कर्म से होता है। तो राहुल गांधी को इतना ज्यादा बड़ा नेता मत मानिए, मैं तो नहीं मानता हूँ। साधारण सांसद हाईलाइट करे ना करे। बता दें इस बार लक्ष्मण सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में गुना की चाचोड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी थे और हार भी गए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता का बयान कहीं ना कहीं ये साफ बता रहा है कि कांग्रेस को मिल रही करारी हार के लिए पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी को ही जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि अब तक इस बात को खुलकर कोई भी नहीं बोल सका है, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कमलनाथ ने और राजस्थान में गहलोत ने राहुल गांधी से किनारा कर लिया था। ये इस बात के संकेत हैं कि पार्टी के दिग्गज जानते हैं कि राहुल गांधी से पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि राहुल गांधी खुद कब ये समझेंगे कि राजनीति ऊटपटांग बयानों से नहीं चलती। बहरहाल इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। VK News, राष्ट्र के नाम।